दोस्तों आज मैं जिस परफ्यूम के बारे में बात करने वाला हूं, अगर ये आपकी कलेक्शन में नहीं है तो मेरा विश्वास मानिए आप अधूरे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, इस परफ्यूम का नाम है एम्बर मैजिक, विच इज अ फ्रेश लॉन्च फ्रॉम द ब्रांड फ्रेंच असेंस, जिनके इंटेंस परफ्यूम को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया है और इस बार इन्होंने हमें एक बार फिर से सरप्राइज किया है अपनी नई लॉन्च के साथ। और गाइस, आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि जिस परफ्यूम के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये परफ्यूम आपकी कलेक्शन में नहीं है, आप उसके बिना अधूरे हैं, तो उस परफ्यूम के अंदर कितनी खूबियां होंगी या कौन सी ऐसी चीजें होंगी कि जिसके लिए परफ्यूम इतना ज्यादा खास है और मैं इसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा परफ्यूम है उन चुनिंदा परफ्यूम्स में से जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया है और प्रैक्टिकली मुझे इसके अंदर कोई भी कमी नहीं दिखी है या कोई भी एक ऐसी चीज मुझे इसके अंदर नहीं दिखी है जिससे मुझे कोई शिकायत हो। तो इस परफ्यूम की खूबियों की लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी बॉक्स पैकेजिंग और बॉटल के बारे में, जिसके अंदर आपको कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा इनकी रूटीन पैकेजिंग से, बट हां, इस बार आपको साइज थोड़ा ज्यादा मिलने वाला है। पहले जो इनका इंटेंस परफ्यूम आता था उसके अंदर आपको 60 ml की क्वांटिटी मिलती है, लेकिन एम्बर मैजिक के अंदर आपको 100 ml की क्वांटिटी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जो इसका बॉटल का कैप है वो आपको थोड़ा सा और क्लासी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो बॉक्स और बॉटल का कलर है वो है रेड, विच रिजेंबल्स द कलर ऑफ एम्बर, जिसके ऊपर ये सारा का सारा परफ्यूम बेस्ड है। खैर, बॉक्स की बात ज्यादा ना करते हुए अगर आपको इसकी खूबियों की तरफ लेकर जाऊं तो सबसे पहली खूबी आती है इसकी खुशबू, और इसकी खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी है कि लिटरली एक रात तक मैं सो नहीं पाया था जब मैंने इस परफ्यूम को स्मेल किया था, क्योंकि इस परफ्यूम की खुशबू इतनी ज्यादा बढ़िया है कि आपको इसकी लत लग सकती है। और अगर इसकी खुशबू को आपको लेयर बाय लेयर, परत दर परत समझाऊं तो जैसे जैसे इसकी परतें खुलती जाएंगी इसकी खुशबू आपको और हैरान करती जाएगी। बात करूं इसके टॉप नोट की तो जो इसकी पहली खुशबू है वो खुलती है फ्लोरल और एरोमेटिक नोट्स के साथ, और साथ ही साथ बैकग्राउंड में आपको हल्का सा हिंट मिलता है लेदर के नोट का। सो इफ यू लाइक दैट एनिमलिक नोट, आप इस खुशबू को, इस ओपनिंग को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे विद दैट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरल एंड एरोमेटिक नोट्स। लेकिन अगर आपको लेदर की खुशबू इतनी ज्यादा पसंद नहीं है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो लेदर का हिंट है वो आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए ही मिलता है, लेकिन उन 10 मिनटों के बीत जाने के बाद आप अपना आपा खो बैठते हैं। गाइस, क्या बताऊं कि ये खुशबू उसके बाद जो रूप लेती है, इट बिकम्स सो फाइन, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, एंड इट चेंजेस इट्स फ्रेग्रेंस लाइक दिस, इट बिकम्स सो एडिक्टिव, सो फाइन, सो एलिगेंट एंड सो स्मूथ, क्योंकि इसके ड्राई डाउन के अंदर आप फ्लोरल एरोमेटिक नोट्स के साथ हल्के से तीखेपन को भी महसूस करेंगे और साथ ही साथ एक्सपीरियंस करेंगे वुडी नोट्स का, वो भी प्लेजेंट वाला, जैसे कि रोजवुड के अंदर होता है, सैंडलवुड के अंदर होता है और सीडरवुड के अंदर होता है। 1-2 घंटे बीत जाने के बाद इसकी खुशबू एक बार फिर बदलेगी और यहां तक आप सारे एलिमेंट्स का मजा भरपूर तरीके से लेंगे जिसके अंदर फ्लोरल, एरोमेटिक, स्पाइसी और वुडी नोट्स हैं। लेकिन इन सब नोट्स के बाद बारी आती है हीरो ऑफ दिस परफ्यूम की, जिसका नाम है एम्बर, विच इटसेल्फ इज वेरी फाइन, वेरी प्लेजेंट एंड वेरी स्मूथ। कुल मिलाकर बताऊं तो इस परफ्यूम के अंदर आप ऑलमोस्ट हर खुशबू का मजा लेंगे, वो भी बहुत ज्यादा कम पैसों में। और एक चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं, क्योंकि इस परफ्यूम को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के बाद यू डेफिनेटली गोना प्रेज मी। ओवरऑल अगर इस खुशबू की बात करूं तो ये एक फ्लोरल, एरोमेटिक, वुडी और एम्बर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, और ये एक ऐसी खुशबू है कि अगर आप अपने घर में अपने दादा दादी को भी सुघाएंगे तो ये खुशबू उनको उतनी ही पसंद आएगी जितनी ये आपको पसंद आई है। इट इज जस्ट अ ब्लाइंड बाय। बढ़ते हैं इसकी अगली खूबी की तरफ, जो कि है इसका प्रोजेक्शन और सियाज। प्रोजेक्शन मतलब ये कितनी दूर तक फैलता है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो करीबन 4 से 5 फीट तक का है। सियाज माने इसकी जो खुशबू है वो हवा में कितनी देर तक रहती है, तो एम्बर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट थिक एंड वन ऑफ द मोस्ट हैवी एलिमेंट्स और नोट्स, तो इसकी जो खुशबू है वो हवा में काफ़ी देर तक रहती है। कहने का मतलब ये हुआ जो इसका प्रोजेक्शन है या जो सियाज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। किन किन लोगों के लिए है और कहाँ कहाँ वेयर किया जा सकता है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। सो द स्टूडेंट्स ऑफ इवन 10th और 12th क्लास टिल द एज ऑफ 50 ईयर्स, मेल और अ फीमेल, वो अगर इसे वेयर करेंगे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन स्कूल के लिए ये आप इसे अपने रिस्क पे वेयर कीजिए, बिकॉज इसका जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, तो हो सकता है कि आपकी प्रिंसिपल आपको रोक के एक बार ऑब्जेक्शन ज़रूर करे।
कहाँ कहाँ वेयर किया जा सकता है, तो सबसे पहले आता है ऑफिस, बिकॉज इसकी जो वाइब्स है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है एंड इट विल डेफिनेटली गोना टर्न हेड्स. दूसरा, डेट के लिए बहुत अच्छा है, वेडिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, पार्टीज के लिए अच्छा है, लेकिन जिम के लिए मुझे लगता है ये थोड़ा एक्स्ट्रा फॉर्मल है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा रिफ्रेन कीजिए इसको वेयर करने. इसकी अगली खूबी है इसकी लास्टिंग, कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी है या ये कितनी देर तक लास्ट करता है. उसके लिए मेरा जवाब होगा, जितनी देर तक आप चाहें. जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे इसकी लास्टिंग से, ये परफ्यूम अपना काम करता रहेगा. इस परफ्यूम का नाम है एम्बर मैजिक, और इसका जो मैजिक है वो इसकी लास्टिंग और इसकी परफॉर्मेंस में ही है. एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इस परफ्यूम को वियर किया था, इस परफ्यूम की खुशबू मेरे कपड़ों में से अगले दिन तक भी आती रही थी, और इतनी तगड़ी लास्टिंग के बावजूद भी ये परफ्यूम आपके सर पर बिल्कुल भी किसी तरीके से हैवी नहीं होता है. आप बिल्कुल भी हैवी महसूस नहीं करेंगे इस परफ्यूम को वेयर करने के बाद. बोलने का मतलब ये हुआ कि जो भी रॉ मटेरियल इस परफ्यूम के अंदर यूज़ किया गया है या जो भी परफ्यूम ऑयल्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, वेरी फाइन क्वालिटी, क्योंकि जो कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है, दे आर लाइक वन ऑफ द पायनियर्स इन द इंडस्ट्री, वेनिसा कॉस्मेटिक्स. इफ़ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कंपनी, यू कैन गूगल इट. बात करूं इसकी कीमत की, तो इस मैजिकल परफ्यूम की कीमत इस समय है सिर्फ और सिर्फ 674 रुपए, 674 रुपीज अगेंस्ट दी एमआरपी ऑफ 999 फॉर 100 ml. सो गाइस, आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग दिस परफ्यूम बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन इट्स फ्रेग्रेंस, बेस्ड ऑन द प्राइस, एंड अबव ऑल बेस्ड ऑन इट्स यूनिकनेस. एंड गाइज, ये मेरी ड्यूटी है आपको नई फ्रेग्रेंसेस के बारे में बताना जो कि अच्छी भी हों और फुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी हों. बाकी ये अपना फैसला है आपका कि आपको इस परफ्यूम को खरीदना है या नहीं. स्टिल, इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दिस फ्रेग्रेंस, आपको जो इसके बाइंग लिंक्स हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो, जो कि एक बिल्कुल नए फ्रेश लॉन्च के ऊपर बेस्ड था, पसंद आया होगा. आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर हमारे कमेंट्स सेक्शन में आकर शेयर कीजिए. इससे पहले मैं आपकी इजाज़त लूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू से, महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए. टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर.